दोस्तों, क्या आप भी पेट फूलने के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? पेट में गैस, एसिडिटी से परेशान हैं? पेट का फूलना कई बार गैस की वजह से हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो कई बार पेट के फूलने का कारण आंतों में गैस होना है। खाना खाते समय बोलने के दौरान हवा पेट में चली जाती है, वही हवा आंत में चली जाती है और गैस का रूप ले लेती है। ज्यादा मात्रा में खाना खा लेने और वो खाना अच्छे से न पचना भी पेट फूलने की समस्या बनती है, क्योंकि जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो वह खाना पेट में सड़ने लगता है, जिससे गैस बनती है और वह पेट फूलने की वजह बनती है। सामान्य रूप से हर व्यक्ति के पेट में थोड़ी बहुत गैस का बनना आम बात है, लेकिन कभी कभी यह थोड़ी बहुत गैस ज्यादा होकर पेट फूलने की परेशानी में तब्दील हो जाती है। आइए जानते हैं पेट फूलने के कारणों के बारे में। पेट कई कारणों से फूल सकता है, मोटापा या गैस ही इसका कारण नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि किन परेशानियों के चलते हमारा पेट फूलने लगता है। अत्यधिक स्ट्रेस लेने से, अधिक धूम्रपान करने से, खराब लाइफस्टाइल, खाना खाते समय ज्यादा पानी पीने से पेट फूलने की समस्या पैदा हो सकती है। एडिमा जैसी बीमारियों के कारण शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिस वजह से पेट फूलने की समस्या रहती है। अधिकांश लोगों में पेट फूलने का कारण IBS, स्टेबल बाउंस सिंड्रोम, अल्सर जैसी परेशानियां हो सकती हैं। लीवर में इन्फेक्शन, सूजन, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के कारण भी पेट फूल सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। खाना खाते समय ज्यादा पानी पीना भी पेट फूलने का कारण बनता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना कई फूड्स भी इनकी वजह बनते हैं। गोभी और पालक अधिक मात्रा में खाना, दूध से बने प्रोडक्ट्स से एलर्जी के कारण पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पेट फूलने की समस्या किसी गंभीर बीमारी में तब्दील न हो जाए तो इन घरेलू उपायों को अपनाना शुरू कर दें। आइए जानते हैं पेट फूलने की समस्या को घरेलू उपायों के जरिए कैसे दूर कर सकते हैं। पेट फूलने की समस्या से बचना है तो खाने में नमक की मात्रा को कम कर दें। इसके अलावा अधिक तला भुना फास्ट फूड, डिब्बावन आहार खाने से बचें। अधिक नमक का सेवन करने से शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है। अगर आपको लगता है कि पेट फूलने का कारण कब्ज है तो इसबगोल गैस से बचने के लिए एक अच्छा उपाय है। यह एक प्राकृतिक पौधा है जिसमें लैक्सेटिव होता है। यह आपको मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर कब्ज की समस्या हो तो आंतों को मूव करते रहना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए खाना खाने के बाद कुछ समय जरूर टहलें। इससे आपको गैस से तुरंत आराम मिलेगा। अगर पेट फूलने की समस्या से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक गिलास नींबू पानी जरूर पिएं। गैस और पेट फूलने की समस्या से बचने के लिए हल्दी का सेवन शुरू कर दीजिए। पुदीने की चाय भी पेट के फूलने की समस्या को कम करती है, इसमें मेथॉल और मेथोन होता है। पेट की मालिश करने से आंतों में सक्रियता आती है, खास तौर पर बड़ी आंत की मालिश से काफी फायदा होता है। इसके लिए राइट हिप बोन के ठीक ऊपर हाथ रखें और हल्का दबाव देते हुए सर्कुलर मोशन में मालिश करें। इसके अलावा गर्म पानी से स्नान करने से फूले हुए पेट से आराम मिलता है, इससे शरीर रिलैक्स होता है और तनाव कम होता है। पेट फूलने की समस्या से निजात पाने के लिए खाने, खास तौर पर नाश्ते में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। पुरुषों को रोजाना 35 ग्राम और महिलाओं को 25 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में गैस होती है जो पेट को ब्लॉट कर सकता है। सोडा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है। खाने में मौजूद शक्कर और आर्टिफिशियल स्वीटनर के कारण भी पेट फूलने की समस्या होती है, इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इससे आपकी पेट फूलने की समस्या दूर होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, फायदेमंद लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा एक नए अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।